बोलो लेना, क्या बात करने के लिए बुलाया? बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि किससे बात करूं। आपको बुरा लगा मेरा यहाँ बुलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट तुम कहो, तुम्हें क्या कहना था? आप तो जानते हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है। माना कि शबरीज आपका भाई है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आई आई एग्री कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ, उसी के बाद तो वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे मेहर की तलाक का पता चला, मुझसे निकाह छोड़ के उसने मेहर से निकाह कर लिया। और इस बात में जितनी मेरी इंसल्ट हुई है, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या कर चुकी होती। मैं लिसन, तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। स्ट्रांग नहीं हूं, मैं डिप्रेशन में रहने लगी हूं। नींद की गोलियां खाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी सोचती हूँ कि खुदकुशी कर लूं। व्हाट आर यू सेइंग? खुदकुशी? क्या बात कर रही हो तुम? तुम क्यों खुदकुशी करोगे? तो मैं और क्या करूं? शबरीस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद शबरीस अपनी जिंदगी में कितना मुतमईन है। वो तो अपनी जिंदगी में सेट हो चुका है, लेकिन जिंदगी तो मेरी खराब हुई है ना। आप इमेजिन करें कि एक लड़की दुल्हन बनके निकाह का वेट करती रहे और उसका दूल्हा उसे छोड़ के किसी और से शादी कर ले, तो सोसाइटी उसे कैसे ट्रीट करती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इससे गुजर रही हूं, फेस कर रही हूं इसे। डाउन लेवल। प्लीज कम डाउन। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। मैंने आपको आज यहां इसीलिए बुलाया कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे कोई एडवाइस दें कि कैसे जिंदा रहूं, क्योंकि मुझे भी तो किसी इंसान के सहारे की जरूरत है ना, जिसके कंधे पे सर रख के मैं अपने नुकसान पे रो सकूं। लिसन, आई नो शबरीज ने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत बहुत गलत है, बट मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। अब कौन मुझे अपना नाम देगा? अगर किसी को पता चलेगा कि शबरीज ने मेरे साथ, आप मुझे बताएं जैन कि है कोई ऐसा इंसान जो मेरी इस खामी के बावजूद मुझे अपना सके?